सच्चा साबू साबूदाना टोस्ट। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना। इस रेसिपी में हम चीनी दाना वैरायटी का यूज़ करेंगे। एक कप सच्चा साबू साबूदाना लें। ध्यान रहे कि ये चीनी दाना वैरायटी ही हो। इसे 3 घंटे के लिए भिगो लें। एक उबले हुए आलू को मैश करें। इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च डालें। भीगा हुआ सच्चा साबू साबूदाना और हरी धनिया पत्ती डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें। 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालें। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। सभी चीज़ें अच्छे से मैश करें। एक प्लेट को चिकना करके उसमें साबूदाना और आलू का मिश्रण डालें। 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छे से फैला लें। 5 मिनट के लिए ढककर मंदी आंच पर स्टीम करें। साबूदाना और आलू का मिक्सचर ब्रेड पर लगाने के लिए तैयार है। 2 ब्रेड स्लाइस लें और इस पे साबूदाना और आलू का मिश्रण फैलाएं। पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें। तैयार किए गए ब्रेड स्लाइसेस को पैन में रखें। मंदी आंच पर सुनहरा होने तक सेकें। ब्रेड स्लाइसेस के कुरकुरा होने पर पलटकर उसे दूसरी ओर से भी पकाएं। सच्चा साबू साबूदाना टोस्ट बनकर तैयार है। इसे गरम गरम परोसें।